जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आइफैक्टनर के लव एंड रिलेशनशिप वीडियो ट्यूटोरियल में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स, मियाँ बीवी वगैरह को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, और जब आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना हो इंग्लिश में या किसी की रिलेशनशिप के बारे में बात करनी हो, प्यार मोहब्बत के बारे में बात करनी हो, तो हम कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। तो मोहब्बत, प्यार या प्रेम को इंग्लिश में कहते हैं लव। लव कोई बहुत प्यारा लगे, प्यारी लगे, तो हम उसको कहते हैं एडोरेबल। जिस तरह आपका बच्चा आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है तो वो एडोरेबल है, द बेबी इज एडोरेबल, या किसी को भी आप एडोरेबल कह सकते हैं। सिर्फ प्यार करने को हम कहते हैं लव, लेकिन जब बहुत प्यार करना हो तो हम कहते हैं एडोर। आई एडोर यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब किसी की आंख का तारा होना इंग्लिश में कहेंगे एप्पल ऑफ समवंस आई, एप्पल ऑफ समवंस आई। क्या तुम उससे बाहर ले जाने का पूछोगे? अब आपने अपने फ्रेंड से पूछना है कि क्या वो अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर ले जाने का पूछेगा, तो आप कह सकते हैं आर यू गोइंग टू आस्क हर आउट, आर यू गोइंग टू आस्क हर आउट। जीवन साथी या जिंदगी के साथी को हम कह सकते हैं बेटर हाफ, मियाँ बीवी को स्पाउस, या फिर लाइफ पार्टनर। बेटर हाफ, स्पाउस, या फिर लाइफ पार्टनर। अब दो अजनबी जब पहली दफ़ा मिलते हैं, लड़का लड़की मिलते हैं, तो डेट पे मिलते हैं, पहले कभी नहीं मिले, तो उसको हम कहते हैं ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट। और जो लड़का दोस्त होता है उसको हम कहते हैं बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। अगर तो रिलेशनशिप टूट जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रेकअप होना, ब्रेकअप या ब्रेकअप होना। प्यारा या प्यारी को कहते हैं डार्लिंग, डार्लिंग। अब जो मुलाकात होती है उसको कहा जाता है डेट, डेट। अब आपने पूछना है क्या तुम्हारा कोई दोस्त है, तो आप पूछ सकते हैं डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड, डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। या फिर क्या तुम्हारी कोई सहेली है, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। क्या तुम्हारी उसके लिए भावनाएं हैं, जज्बात हैं, तो ये पूछना है कि आप क्या महसूस करते हैं उसके बारे में, या उसके बारे में कोई महसूसात हैं, महसूस करते हैं, जज्बात हैं, तो आप कहेंगे डू यू हैव फीलिंग्स फॉर हर, लड़की के लिए, और डू यू हैव फीलिंग्स फॉर हिम, अगर आप लड़के के बारे में पूछ रहे हैं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, करते हो, पूछेंगे डू यू लव मी, डू यू लव मी। प्रेमी या प्यार का चूहा ना बनो, उसके कहते हैं डोंट बी अ लव रैट। अब कोई प्यार करके भाग रहा हो, ठीक है, बगैर बताए कि रिलेशनशिप ब्रेकअप कर रहा हूँ, वैसे ही जा रहा हो, तो आप कहेंगे डोंट बी अ लव रैट। मुझे छोड़कर ना जाओ, डोंट लीव मी, यानी कि मुझे ना छोड़ो, या डोंट वॉक आउट ऑन मी, डोंट वॉक आउट ऑन मी लाइक दिस, मुझे इस तरह छोड़ के ना जाओ। फिक्र ना करो, ये सिर्फ बच्चों का प्यार है, तो बच्चों के प्यार को इंग्लिश में कहते हैं पपी लव, क्योंकि पपी को देख के आपको थोड़ी देर के लिए प्यार होता है और बस उसे आप प्यार करते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा डोंट वरी इट्स ओनली अ पपी लव, डोंट वरी इट्स ओनली अ पपी लव। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती या करते हो, डोंट यू लव मी। वैसे ग्रामेटिकली ठीक तो यह है कि हम कहें डू यू नॉट लव मी, लेकिन आम बोलचाल में हम कह सकते हैं डोंट यू लव मी। अब अगर दो दोस्त और
दो सहेलियां आपस में मिल रहे हों तो उसे कहते हैं डबल डेट, डबल डेट। प्यार में गिरने को कहा जाता है फॉल इन लव, आई एम फॉलिंग इन लव, मुझे प्यार हो रहा है, प्यार होना फॉल इन लव। मंगेतर को कहा जाता है फियांसे, फियांसे। और जो गर्लफ्रेंड या सहेली होती है उसको कहा जाता है गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड। अब अगर हमने ये कहना है कि तुम्हें खुदा ने मेरे लिए बनाया है तो आप ऐसे कहेंगे गॉड मेड यू फॉर मी, गॉड मेड यू फॉर मी। नफ़रत को कहा जाता है हेट, हेट। आई हेट यू, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है, हैव यू एवर फॉलन इन लव, हैव यू एवर फॉलन इन लव। वो दोनों पिछले महीने बाजार में मिले और दोनों ने उसी वक्त दोस्ती कर ली। इस चीज़ को हमने इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे ही एंड शी मेट इन अ मार्केट लास्ट मंथ एंड दे हिट इट ऑफ। हिट इट ऑफ का मतलब क्या होता है कि उसी वक्त मतलब उनमें कोई केमिस्ट्री बिल्डअप हो गई, उनकी दोस्ती हो गई। ही एंड शी मेट इन अ मार्केट लास्ट वीक एंड दे हिट इट ऑफ। अब किसी कोई किसी को छोड़ दे, उसने उसे छोड़ दिया तो उसे हम कहते हैं डंप करना, ही डंप्ड हर। डंप क्या, डंप कहाँ से निकला है कि जिस तरह डंपर जो होते हैं कूड़े के ढेर, किसी कूड़े को डंप करके चले जाते हैं, तो उसी सेंस से निकला है डंप करना के कचरा फेंक देना या फेंक देना, इस तरह फेंकना, इस तरह छोड़ना के बस आ जाओ। ही डंप्ड हर। वो तुम्हें चाहता है तो इसको कहते हैं क्रश होना, ही हैज़ अ क्रश ऑन यू, ही हैज़ अ क्रश ऑन यू। वो मार्केट से बाहर है यानी कि वो अवेलेबल नहीं है, शायद उसकी मंगनी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, तो इसको हम कहेंगे ही इज़ आउट ऑफ द मार्केट, ही इज़ आउट ऑफ द मार्केट। वो शादीशुदा आदमी है, इस चीज़ को हमने कहना है तो हम कहेंगे ही इज़ अ मैरिड मैन, She is a married woman. वो शादीशुदा खातून है। वो उसके लिए बिल्कुल ठीक है, यानी कि जिस हम कहते हैं ना कि वो दोनों सोल मेट्स हैं, यानी कि उनके रिश्ते आसमानों पर बने हैं, रूहें आपस में मिलती हैं, इस चीज़ को हम कहेंगे ही इज़ हर सोल मेट, ही इज़ हर सोल मेट, या ही इज़ परफेक्ट फॉर हर, ही इज़ परफेक्ट फॉर हर। वो तुम में मुकम्मल दिलचस्पी रखता है, ही इज़ टोटली इन टू यू, ही इज़ टोटली इन टू यू। और अगर हमने कहना है कि वो उसे दिल की गहराइयों से प्यार करता है तो हम कहेंगे ही लव्स हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, ही लव्स हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, दिल की गहराइयों से। वो उसके पिता अब्बू से उसका हाथ मांगेगा, ही इज़ गोइंग टू आस्क हर फादर फॉर हर हैंड, यानी कि शादी के लिए पूछेगा, ही इज़ गोइंग टू आस्क हर फादर फॉर हर हैंड। उसकी अपनी मंगेतर के साथ ताल्लुकात मुश्किल में हैं, पत्थरों पर हैं, यानी कि आजकल उनमें लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हम कहेंगे हिज रिलेशनशिप विथ हिज फियांसे इज ऑन द रॉक्स, His relationship with his fiance is on the rock. एक ही दम में दोस्ती करना, इस चीज़ को कहते हैं hit it off, यानी कि एकदम दूसरे से मिले और एकदम ही मतलब दोस्ती होगी तो आप कहेंगे hit it off, like each other right away, like each other right away. प्यारा या प्यारी को हम कहते हैं honey भी कहते हैं, darling भी कहते हैं honey. अब जो पति शौहर और खावत होता है उसको कहते हैं हस्बैंड या मैन, हस्बैंड या मैन। मैं रिश्ते में हूँ, अगर आपने ये कहना है तो आप कहेंगे आई एम इन अ रिलेशनशिप, मैं सीरियस रिलेशनशिप में हूँ, आई एम इन अ सीरियस रिलेशनशिप। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, ये आपने कहना है तो आप कहेंगे आई एम मैड अबाउट यू, आई एम मैड अबाउट you।
मुझे तुमसे दोबारा प्यार हो रहा है. आई एम अगेन फॉलिंग इन लव विद यू. आई एम अगेन फॉलिंग इन लव विद यू. अब बीवी अपने शौहर को कह रही है, शौहर बीवी को कह रहा है, आई एम अगेन फॉलिंग इन लव विद यू. मैं तुम्हारा हूँ. आई एम ऑल yours. आई एम ऑल yours. अब आपने अपने किसी दोस्त को कहना है कि यार मुझे उससे प्यार हो रहा है या मुझे प्यार हो रहा है, तो आप कहेंगे आई एम फॉलिंग इन लव. आई एम फॉलिंग इन लव. मैं जल्द ही घर बसा लूँगा या गी. आई एम गोइंग टू सेटल डाउन सून. सेटल डाउन होता है यानी कि आप मतलब अपना सेटल सेट हो जाएं, शादी कर लें, बीवी बच्चे हों, तो उसे कहते हैं सेटल डाउन होना. आई एम गोइंग टू सेटल डाउन सून. मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता या सकती. आई कैंट बेयर यू एनी मोर. आई कैंट बेयर यू एनी मोर. बेयर करना यानी कि बर्दाश्त करना. आई कैंट बेयर यू एनी मोर. मैं तुम्हें भुला नहीं सकता. आई कैंट फॉर गेट यू. आई कैंट फॉर गेट यू. मैं तुम्हारे बगैर रहने का सोच नहीं सकता या सकती. आई कैंट थिंक ऑफ लिविंग विदाउट यू. I can't think of living without you. मुझे तुमसे प्यार नहीं है. I don't love you. I don't love you. अब हमने कहना है कि उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे dump कर दिया, तो आप कह सकते हैं simply I got dumped यार. I got dumped on Valentine's Day. मैं उसने मुझे Valentine's Day पे छोड़ दिया, जिसे हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं. तुम मुझे बहुत पसंद हो. आई लाइक यू वेरी मच. आई लाइक यू वेरी मच. दोस्तों ये हमारा लव एंड रिलेशनशिप का पार्ट नंबर 1 था. पार्ट नंबर 2 दो दिन बाद अपलोड होगा, ज़रूर देखिएगा. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं हूँ इफैक्टनर, मैं मिलूँगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में. अनटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे.